कह दो कि मौत का फरिश्ता जो तुम पर मुकर्रर किया गया है तुम्हारी रूहें कब्ज कर लेता है, फिर तुम अपने परवरदिगार की तरफ लौटाए जाओगे और तुम ताज्जुब करो जब देखो कि गुनाहगार अपने परवरदिगार के सामने सर झुकाए होंगे और कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमने देख लिया और सुन लिया, तू हमको दुनिया में वापस भेज दे कि नेक अमल करें, बेशक हम यकीन करने वाले हैं। और अगर हम चाहते तो हर शख्स को हिदायत दे देते, लेकिन मेरी तरफ से ये बात करार पा चुकी है कि मैं दोजख को जिन्नों और इंसानों सबसे भर दूंगा। सो अब आग के मजे चखो, इसलिए कि तुमने इस दिन के आने को भुला रखा था, आज हम भी तुम्हें भुला देंगे और जो काम तुम करते थे उनकी सजा में हमेशा के अजाब के मजे चखते रहो। हमारी आयतों पर तो वही लोग ईमान लाते हैं कि जब उनको उनसे नसीहत की जाती है तो सजदे में गिर पड़ते और अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्बीह करते हैं और गुरूर नहीं करते। उनके पहलू बिछौनों से अलग रहते हैं और वो अपने परवरदिगार को खौफ और उम्मीद से पुकारते और जो माल हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं।